लड़ाई चाइना इस इकोनॉमी जो उसकी है, वी दे कैन नॉट अफोर्ड अ वॉर, चाइना कैन नेवर गो वॉर, इसलिए मैं कह रहा हूँ दे विल फ्लेयर अप LAC, नाम बदल देंगे, तवांग टाइप हमला कर लेंगे, गलवान टाइप कुछ कर लेंगे, थोड़ा वो साउथ चाइना सी में कर लेंगे, थोड़ा इधर कर लेंगे, थोड़ा उधर कर लेंगे, क्योंकि ना इसमें जिसमें दिमाग की नसें पतली होती है, ये तो डिक्लेयर कर ही रखा है कि वे ऑल आवर ऑप्शंस आर ओपन, हमारे सारे विकल्प खुले हैं, वी आर रेडी फॉर एनी टू एवरी ऑप्शन, उन्हें नॉर्मल रहना हम नॉर्मल रहेंगे, उन्हें दोस्ती करनी है वी कैन लुक इन टू इट, उन्हें दुश्मनी करनी तो दुश्मनी के लिए तो तैयार है, इंडियन आर्मी इज ऑलवेज रेडी एंड डिप्लॉयड, तो ऐसी कोई बात है नहीं। बट एट द सेम टाइम आई वुड लाइक टू रिएटरेट, वी डोंट वॉन्ट वॉर, वी डोंट। जय हिंद, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर एक और लेटेस्ट वीडियो में। दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया आए दिन चाइना के साथ अपनी दोस्ती का गुणगान करता रहता है, यह इनकी मजबूरी बन चुका है, क्योंकि चाइना ने जिस तरह से पाकिस्तान को लोन दे देकर अपने जाल में फंसा लिया और ज़्यादातर पाकिस्तान चाइना का गिरवी हो चुका है, अब पाकिस्तानियों के चाइना का गुणगान करना भी मजबूरी बन चुका है। और दोस्तों, चाइना ने जिन देशों को भी जितना पैसा दिया है वह सब देश अब कमज़ोर होते हुए जा रहे हैं और पाकिस्तान की भी ठीक उसी तरह कमर टूटती हुई जा रही है। तो दोस्तों, ऐसे में अब पाकिस्तानियों के आगे हालात क्या होगा यह खुद अपनी नहीं सोच रहे, जो भारत के साथ कभी भी कुछ भी होता है तो उस पर आए दिन पाकिस्तानी मीडिया चर्चा करता है और ज़्यादातर पाकिस्तानी मीडिया पहले आए दिन प्रोपगेंडा करने की कोशिश करता था, लेकिन दोस्तों जब इंडियन आर्मी ने PLA की ठुकराई की थी और वीडियो आया था उसके बाद पाकिस्तानियों ने चुप्पी साध ली थी, एक बार फिर से चाइनीज अपने तेवर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो पाकिस्तानी मीडिया के देख के दोस्तों हर एक कमर चीमा के तीखे सवाल की सुमित पीर जी ने किस तरह से करारा जवाब दिया है इस वीडियो में हम आपको दिखाने जा रहे हैं। इससे पहले वीडियो को लाइक कीजिएगा, प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट। एक नाम अकरा रख दूं तो अपने बाहर अपने नाम की नेम प्लेट बना दूं तो मेरा हो जाएगा क्या? क्या आप मेरे मकान पे आके अपने अपना नेम प्लेट लगाओ तो आपका थोड़ी हो जाएगा? आप देखिए डेस्परेशन कहाँ है, मजबूरी कहाँ तक है, लापरवाह क्या लाचारी कहाँ तक है। आप अपने घर में बैठ बैठ के नाम बदल रहे, भाई आप अपने शहर का नाम बदल सकते हो, शंघाई का नाम आप शिंगजू कर दो, हमें कोई आपत्ति नहीं। हम अगर अपने शहर का नाम बदल लिया, हमारी टेरिटरी है, हमारी जमीन है, हम जो मर्जी करें। आपने आपने नाम बदले हैं, हमने नाम बदले, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। पर मैं इस्लामाबाद का कल को श्री हरिकर नगर नाम रख दूं तो वो श्री हरिनगर थोड़ी ना हो जाएगा, और आप आगे दिल्ली का नाम इस्लामाबाद रखो तो दिल्ली इस्लामाबाद थोड़ी ना हो जाएगी, इस्लामाबाद अपनी जगह, दिल्ली अपनी जगह। तो ये जो चीजें हैं, ये अब आप देखिए 4.5 साल पहले भी चाइना ने ऐसा किया था, फिर एक और बार किया। अब ये G20 का अधिवेशन हुआ था अरुणाचल में, आपने देखा होगा चीमा साहब, चाइना वहां गया नहीं, गोली दे गए, स्किप कर गए, और फिर कुछ दिन बाद फिर वहां के पेपर वेपरों में आया तो अब वो कम्युनिस्ट पार्टी पे प्रेशर पड़ गया। अब प्रेशर पड़ा तो क्या करे, सोचे यार कुछ तो करना पड़ेगा, क्या करे, तो भाई चलो बैठे बैठे नाम छाप देते हैं, ग्लोबल टाइम्स में डाल देते हैं, ग्लोबल टाइम्स छाप देगा, बोलेंगे देखो जी ऐसे हमारी टेरिटरी पे कब्जा है। और चीमा साहब एक चीज मुझे समझ नहीं आई यार, अगर नाम ही बदल लेते, 75 साल हो गए हमारी आजादी को, 75 साल तक सांस फूंक गया था क्या? 75 साल तक चाइना सो रहा था क्या? 75 साल बाद क्यों याद आया नाम बदलने को? अगर आपकी टेरिटरी है और आपको लगता है आपकी जमीन है तो 75 साल क्यों लगी करने में? वो कह रहे हैं ये नब्बे कुछ हजार किलोमीटर जो एरिया वो उनका है, 90,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया सुमित भाई, वो कहते हैं जो अरुणाचल प्रदेश की जो टेरिटरी वो इनकी है, तो ये जो क्लेम है इसको फिर इंडिया कैसे कंटेस्ट करता है? देखिए चीमा साहब, अब ये तो ऐसे लोग हैं, 10 कंट्रियों के साथ बॉर्डर मिलता है, 22 कंट्रियों के साथ डिस्प्यूट है, इनका डिस्प्यूट तो उन कंट्रियों के साथ है जो उनसे कहीं कहीं 1,000 नॉटिकल माइल्स दूर है। माइक पॉम्पियो की बात सुने तो कहते हैं इट डजंट मैटर, एवरीबॉडी इज अ फ्रंटलाइन स्टेट फॉर चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, इट डजंट मैटर वेयर यू आर जियोग्राफिकली, ये माइक पॉम्पियो ने कहा था कोट अनकोट। तो अब उनकी दादी मरहूम का सपना में कब आई, कब कौन सी जगह उन्होंने बता दी, कौन से नक्शे पे उनका दिल आ गया, ये तो देखिए ख्वाब गफलत और इमेजिनेशन, इल्यूजन, डिल्यूजन, परसेप्शन और मिराज पे तो पैसे नहीं लगते। अब वो कहें कि कल को तो ये भी कहेंगे मध्य प्रदेश भी हमारा है, वो तो मध्य प्रदेश इज द सेंटर ऑफ इंडिया, वो बोलेंगे मध्य प्रदेश भी हमारा, दादी आई थी कल सपने में बोल गई, लेकिन योर नजरिए को दिखा लेकिन दिया। लेकिन सुमित भाई, बागची साहब को क्यों रिस्पॉन्ड करना पड़ा? अगर आपकी टेरिटरी है, आपका वहाँ पे फिजिकल कंट्रोल है, तो बागची साहब क्यों रिस्पॉन्ड कर रहे हैं? उससे कहें भाई देते रहो, हर दफ़ा रिस्पॉन्ड करेंगे, इट मीन्स कि ये जो क्लेम है ये कंटेस्टेड है। और आपने जैसे कहा कि वो कह रहे हैं हम वहाँ पे नहीं आते, सो ये तो आप इसको फिर क्वेश्चन तो वही सुमित भाई आ गया ना कि आपको इसको लार्जर पिक्चर में देखना पड़ेगा, वॉट चाइना इज थिंकिंग अबाउट इंडिया इन अ लार्जर पिक्चर, बिकॉज इस 90,000 स्क्वायर किलोमीटर की तो कोई बात नहीं है, इट्स अबाउट अ बिगर पिक्चर। सो आपको लगता है इंडिया बड़ी पिक्चर में देख रहा है? इसके बाद मैं एक और सवाल भी आपको करना चाहता हूँ। मैं यहाँ वॉशिंगटन में मैंने कुछ जगहों पर पढ़ा, मैं आप पता मैं आपसे सवाल करता था सुमित भाई कि वाई इंडिया डजेंट टॉक अबाउट चाइना,
Why Prime Minister Modi and the political top politician, जो Prime Minister Modi particularly, he doesn't speak about Xi Jinping and China. यहाँ पे आज वॉशिंगटन में सवाल उठ रहे हैं, मैंने थिंक टैंक मैं आपको भेजना चाह रहा था जब मैंने पढ़ी, तो मैंने कहा मैं सुभाष भाई को अक्सर ये सवाल करता हूँ और देखो ये लिखना शुरू हो गया, बिकॉज दैट वॉज माई इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन, लेकिन इट इज़ बींग रिपोर्टेड एंड कोटेड. सो बिगर पिक्चर क्या देख रहे हैं आप चाइना के बारे में, बिकॉज इट सीम्स दैट द कॉन्फ्लिक्ट ये जो है दिस इज अब ये जो वर्ल्ड ऑर्डर बदल रहा है, चीज़ें बदल रही है, तो चाइना को अपना बहुत बड़ा ज़्यादा फ्यूचर नहीं दिख रहा. अगर आप चाइनीज थिंक टैंक्स की बात करें या कुछ अमेरिकन थिंक टैंक्स की बात करें, वो तो 2029-30 की तो डेट भी दे रहे हैं वो चाइना के ब्रेकअप की. ये मैं नहीं आप कह रहा, ये आप थिंक टैंक्स कह रही है. दूसरी बात, अब चाइना में जो वर्चस्व था, जो एक स्टैचर था से 4-5 साल है, वो नहीं रह रहा. चाइना को लग रहा है लोग डीलिंकिंग कर रहे हैं, चाइना से हट रहे हैं, डॉलर नहीं आ रहा है. अमेरिका की इकोनॉमी में अगर डिडॉलराइजेशन जिस पेस पे हो रहा है, सो हाउ मच अमेरिकन कैन वर्क, अमेरिका खुद हमसे जान छुटाना चाहता है. तो अब अफ्रीका का मार्केट था वो तो इंडिया ने ले लिया, साउथ अमेरिका में हमारा अच्छा होल्ड है, राइट. और इंडिया का दिन ब दिन स्टैचर बढ़ रहा है, ग्लोबल साउथ की बातें हो रही है. तो ये चाइना कहीं ना कहीं परेशान है. चाइना इंडिया को सबसे बड़ा कंपटीटर देखता है. कंपटीटर क्या देखता है कि वो कहता है ना कि गले की फांस देखता है, राइट. बट ठीक है, हमें पता है चाइना कैन नॉट बी ट्रस्टेड. ये मेरा चीमा साहब, ये मैं स्टैंड जिंदगी भर नहीं बदलूंगा चाहे. और जब तक शी जिनपिंग है तब तो बिल्कुल ट्रस्ट नहीं कर सकते आप. देखिए, हमारी दुश्मनी चाइना के लोगों से नहीं है, हमारी प्रॉब्लम सीसीपी है और उसके लीडरशिप से. और अगर आप कुजिन ताओ को देखे और शी जिनपिंग को देखे, बहुत फर्क है दोनों लीडरों में, आसमान जमीन का फर्क है, दोनों कम्युनिस्ट है. बट हम अवर गन पाउडर इज ड्राई, अवर एम्युनिशन इज ड्राई, अवर मिलिट्री इज रेडी. इकोनॉमिकली जो हमें करना हम कर रहे हैं, जो मिलिट्रीली करना है, जो टेक्नोलॉजिकली करना है, आप और हम तो बहुत डिस्कशन कर चुके हैं चाइना पे. वी हैव केप्ट अवर ऑल ऑप्शंस रेडी. देखिए, हम जाके लड़ाई खरीदते नहीं, ना किसी की लड़ाई लड़ते, ना किसी पे हमला करते. बट अगर कोई हमसे लड़ेगा तो उसको मुंह तोड़ जवाब देगा, उसको उसकी औकात गिनाई जाएगी, उसके लिए हम पूरे तैयार हैं. पर हम लड़ाइयाँ जा जाके करते नहीं. वी डोंट इंस्टिगेट वॉर्स, वी डोंट स्टार्ट वॉर्स, वी डोंट sow seeds of war. But China cannot be trusted. China की जो जितना अंदर China कमजोर होगा चीमा साहब, आप एक और आप मैं prediction कर लूँ, उतना ही optics बढ़ाएगा. It's a part of optics and semantics. China will increase its optics and semantics. लड़ाई China इस economy जो उसकी है, they cannot afford a war. China can never go war. इसलिए मैं कह रहा हूँ, they will flare up LAC, नाम बदल देंगे, तवांग टाइप हमला कर लेंगे, गलवान टाइप कुछ कर लेंगे, थोड़ा वो साउथ चाइना सी में कर लेंगे, थोड़ा इधर कर लेंगे, थोड़ा उधर कर लेंगे. क्योंकि ना जिसमें दिमाग की नसें पतली होती है, ये तो डिक्लेयर कर ही रखा है. क्योंकि आज वर्ल्ड ऑर्डर में ये जो चाइना जो बचकानी हरकतें कर रहा है, ये चलेंगी नहीं, ये सस्टेनेबल नहीं है. ये आपको कहीं ना कहीं आपकी मेंटल बैंक्रप्सी और लैक ऑफ डिप्लोमेटिक इक्विपमेंट को दर्शाता है. बाकी वे ऑल आवर ऑप्शंस आर ओपन, हमारे सारे विकल्प खुले, वी आर रेडी फॉर एनी टू एवरी ऑप्शन. उन्हें नॉर्मल रहना, हम नॉर्मल रहेंगे. उन्हें दोस्ती करनी है, वी कैन लुक इनटू इट. उन्हें दुश्मनी करनी है, तो दुश्मनी के लिए तो तैयार है, इंडियन आर्मी इज ऑलवेज रेडी एंड डिप्लॉयड. तो ऐसी कोई बात है नहीं. बट एट द सेम टाइम आई वुड लाइक टू रिइटरेट, वी डोंट वांट वॉर, वी डोंट गो एंड बाय वॉर, बट पुश कम्स टू शव, वी आर ऑल रेडी फॉर एनीथिंग. समझ में बिल्कुल ठीक हो गया. ऑब्वियसली आपकी जो स्ट्रेटजी है, इट डिपेंड्स ऑन चाइना. चाइना क्या करेगा उस हिसाब से करेंगे. It seems at the end of the day, India doesn't have a plan. The plan is with the Chinese. ये बहुत सारे लोग जो हैं इस चीज़ पे सारी बात है वो बात भी कर रहे हैं. मैं देख रहा था, ये जो आप कह रहे हैं ना कि आप चाइना की तरफ देख भी रहे हैं, खतरा भी है, सारा कुछ है. अच्छा, अमेरिकन ये कहते हैं, मैं पढ़ रहा था अभी एक इनका है सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज़, वहाँ पर एक सीनियर एडवाइज़र हैं क्रिस्टोफर जॉनस्टोन, वो कहते हैं कि अमरीका के वाइट हाउस में और डिफेंस डिपार्टमेंट के अंदर ये क्लैरिटी है और एक एक्सप्लिसिट डिसीजन लिया गया है कि हमें इंडिया को हर तरह सपोर्ट करना है. पहले से वो कह रहे हैं कि हमने MQ-9 ड्रोन्स दिए सर्वेलेंस के लिए चाइनीज के. जारी बात है, मैं सोच रहा था अगर वो चाइनीज की सर्वेलेंस के लिए है तो पाकिस्तान की सर्वेलेंस भी होती होगी. ऑब्वियसली ये इंडिया ने ये तो नहीं कहना कि ऐसी ड्रोन आस पास नहीं करने, हमने इसी पास ही लेके जाना है. लेकिन मेरा ख्याल है पाकिस्तान इतना डिवाइडेड है, उसे हमारी तो गवर्नमेंट बात भी नहीं करती होगी कि आप ये इतना. क्योंकि मुझे याद है कि जब इंडिया को पाकिस्तान को बहुत कुछ मिलिट्री इक्विपमेंट मिलता था तो इंडिया
जो है ना अपने एंटीने खड़े कर लेता था। पाकिस्तान खैर खामोश है एनी हाउ, लेकिन सुमित भाई अब ये जो बात मैं कर रहा हूँ कि पाकिस्तान का जो अमेरिकन व्हाइट हाउस एंड डिफेंस कह रहा है कि हमें ये एक्सप्लिसिट डिसीजन लिया हुआ है कि हमें एज मच सपोर्ट करनी है एज जितनी इंडिया की हम कर सकते हैं, और इसके वाले से वो कर भी रहे हैं, लेकिन इंडिया फिर कतराता क्यों है? अमेरिकन को अगर ऑकस डेवलप करना पड़ा और सब मरीन और फ्रांस वहां पे आके एंटर हो गया है, जब आपको इमिनेंट लग रहा है, आपको 100% श्योर है कि जंग होनी है, कुछ ना कुछ होना है, तो क्यों इंडिया कतरा रहा है? व्हाई इज इंडिया, जिसे कहते हैं ना शाय शाय क्यों होना, शाय पावर है। मैं समझता हूँ कि नॉन अलाइनमेंट से आप स्ट्रेटेजिक अटोनॉमी की बात कर रहे हैं, लेकिन आपके अंदर एक हिचकिचाहट है। जो ये वो वजह है जो डॉक्टर जयशंकर कह रहे थे एक इंटरव्यू में कि मैं अपने से इतनी बड़ी ताकत से क्यों जाके पंगा भी ले लूं, ठीक है, आई विल वेट फॉर द टाइम। सो अमेरिका आपको मिलिटरली करना चाह रहा है, वो ऑकस में चले गए, सब मरीन सब कुछ, क्वाड को आप मिलिट्री अलायंस नहीं बनने दे रहे, अगले में साल आपने सुने क्वाड की बारी आपकी है, इस साल आप ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं। एक वेस्ट के अंदर फ्रस्ट्रेशन है कि इंडिया वो हम जो उसको करना चाह रहे हैं वो कर नहीं रहे, तो आप क्या देखते हैं इस चीज में कि वो आपको स्ट्रेंथन करना चाह रहे हैं मिलिटरली और वो समझते हैं कि चाइना से थ्रेट इमिनेंट है, लेकिन आप वो चीजें लेना नहीं चाह रहे, आपको लगता है कि ये बेसिकली कंफ्यूज पॉलिसी है, या कि अभी आप समझते हैं कि खतरा को उस तरह आप देखते नहीं है जिस तरह अमेरिकन या बाकी इस खतरे को देखते हैं, चाइनीज थ्रेट को देखते हैं? देखिए चीमा साहब, जो MQ-9s की बात करें, आई थिंक इट इज जनरल एटॉमिक से हमने ड्रोन लिए थे, और MQ-9 में दो होते हैं, ए तो सर्वेलेंस वाला होता है, आई थिंक बी इज़ अ आर्म ड्रोन, जो हमने अब की बार लिया है दैट इज़ अ आर्म ड्रोन। सर्वेलेंस वाले कुछ हमने लीज पे लिए थे, वो अब भी हमारे पास है, और आई थिंक इट वॉज अराउंड 30 ड्रोन्स फॉर $300 मिलियन, तो जहाँ तक तो मुझे याद, $3 बिलियन सॉरी, मतलब $100 मिलियन का एक ड्रोन है वो। तो अब देखिए, MQ-9 इज़ द बेस्ट ड्रोन इन द वर्ल्ड, उसमें कोई डाउट है नहीं, और हमें ड्रोन चाहिए, हम अपने भी काफ़ी ड्रोन। तो दोस्तों देखा होगा किस तरह से अब पाकिस्तानियों की यह मजबूरी बन चुकी है एक तरह से कि चाइना का गुणगान किया जाए, चाइना से अब पाकिस्तान इतने पैसे लेकर दबाव में आ चुका है कि शायद ही वह पाकिस्तान कभी भी चाइना का लोन नहीं चुका पाएगा, और ज्यादातर पाकिस्तान यहाँ तक कि इनके पार्क तक चाइना ने गिरवी रख लिया, इनके हाईवे भी गिरवी है, तो ऐसे हालात में ज्यादातर पाकिस्तान इनका चाइनाज का गिरवी हो चुका है, और इसी के चलते हुए यह ज्यादा चाइना का गुणगान कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह भारत के साथ चाइना कोई भी हिमाकत करेगा तो उसका जवाब किस तरह मिलेगा यह पहले भी चाइना को पता चल चुका है। हम आपके लिए इसी तरह के एक से एक लेटेस्ट वीडियो लेकर आते रहेंगे, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।